बहुत बहुत स्वागत है सारे एमएलएस एस्पिरेंट्स को। और मुझे लगता है कि फटाफट आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और 28 जुलाई की वो डेट अब आपके सामने है। मुझे लगता है कि ये समय है करो या मरो वाली। मुझे लगता है बीइंग ए गर्ल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, बीइंग ए गर्ल आपको समाज को जवाब ज्यादा देना है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है बेटा। तो एक मौका मिल रहा है अपनी सफलता और अपने परफॉर्मेंस से ये प्रूव करके दिखाने का कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है इस समाज में। और वो एक माध्यम है एमएलएस जैसे एग्जाम को लेकर। मैं आप सबको बड़ा प्राउडली ऐड करना चाहता हूं कि हम आपके लिए लगातार मॉडल्स पेपर लेके आ रहे हैं। आई नो बहुत प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ाई कर ली, बट अब आपको एक सटीक मॉडल पेपर का मिलना बहुत जरूरी है। और वो सटीक मॉडल पेपर मिलेगा आपको मेजर कल्सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूं देश की जितनी भी बच्चियां हैं उनको ये मॉडल पेपर मिलने चाहिए, और इस मॉडल पेपर से मेहनत करके, इससे प्रैक्टिस करके वो अंडरस्टैंड करें कि आखिर उनके परफॉर्मेंस का लेवल क्या। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं बेटा कि 28 जुलाई की जंग तो आप लड़ने ही जा रहे हैं, बट मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस का ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ओपन हो चुका है, एक उद्देश्य से कि अगले एग्जाम के लिए हम आपको अभी से तैयार करेंगे। तो बिल्कुल जिन बच्चियों में 10+2 के बाद एक जज्बा जगा है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस 1 जुलाई से अपने क्लासरूम प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुका है। तो तेजी के साथ हमारे साथ एसोसिएट होइए। और जो बच्चे लगता है कि सर हम नहीं आ सकते, बिल्कुल एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए और एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को अप टू द मार्क बनाइए एमएनएस के लिए जिस तरह के लेवल और परफॉर्मेंस की आपको आवश्यकता है। और साथ ही साथ एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से बेहतरीन बुक्स एमएनएस के लिए जो अप टू द मार्क मैटर है इस पूरे इंडिया के अंतर्गत, जो ऑर्गेनाइज आपको मैटर प्रोवाइड करेगा आपके जीके का, आपके जनरल साइंस का, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट एंड दिस इज द टाइम वी आर हियर गिविंग द बेस्ट। तो बिल्कुल लग जाइए जबरदस्त तरीके से, ढेर सारे मॉडल्स पेपर हम आपके सामने लाएंगे, इनको प्रैक्टिस करिए, लास्ट टाइम कॉन्फिडेंट होइए क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की और बच्चियों ने हर बार रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने अभी लास्ट ईयर कट ऑफ को लेकर डिफाइन किया कि हर साल मैं एक अलग तरह की ग्रोथ देखता आ रहा हूं, और मुझे लगता है यह काम इस देश की लड़कियां ही कर सकती हैं। जहां आज डिफेंस के हर एग्जाम में 35-40% पे कट ऑफ जनरेट हो जा रहे हैं, 50% पे कट ऑफ जनरेट हो जाते हैं, वहां गर्ल्स एंट्री ने प्रूव कर दिया है कि 80% से नीचे सोचना ठीक नहीं है एमएनएस एंट्री के लिए, और उसी लेवल के मेहनत और फोकस की जरूरत है। तो बिल्कुल आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है मेजर कल्सी के कैंपस में। ऑफलाइन प्रोग्राम हम स्टार्ट कर चुके हैं, और साथ ही साथ तेजी के साथ इन मॉडल पेपर को देखने का, सॉल्व करने का और खुद को जज करने का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट इन मॉडल पेपर्स को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर बाला अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश मेजर कल्सी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लाते हैं डेली आपके लिए मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर में जो कि एमएनएस का दूसरा मॉडल पेपर है, सबसे पहले मैं यानी गौरव अग्रवाल आपके सामने मौजूद हूं इंग्लिश के 50 क्वेश्चन को लेकर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप सारे सब्जेक्ट के कुल मिलाकर 150 सवालों को प्रैक्टिस कर सकें। देखिए पहला सवाल जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ही कैन प्ले ऑन डैश वायोलिन। वायोलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, लिहाजा वायोलिन के नाम के पहले यहां भी लगेगा डेफिनेट आर्टिकल द। पहले का होगा बी फॉर बॉम्बे। सेकेंड क्वेश्चन, अरेबियन नाइट्स कहानियों की एक पुस्तक का नाम है, बड़ी मशहूर पुस्तक है, कभी मौका मिलता है तो पुस्तक को पढ़िएगा जरूर। अरेबियन नाइट्स, जिसके कि लास्ट में एस का इस्तेमाल हुआ है, देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन चूंकि नाउन है सिंगुलर है, लिहाजा दूसरे का डी फॉर डॉग, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देयर डैश अ बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। बंच ऑफ कीज कलेक्टिव नाउन है, बंच अपने आप में कलेक्टिव नाउन होने के अलावा सिंगुलर नाउन है, इसलिए लगेगा इज। देयर इज अ बंच ऑफ कीज, तीसरे का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चार देखें, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूं, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, चौथे का भी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, फिल इन द ब्लैंक का अंतिम सवाल होगा, हिज फादर डैश हिम टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, उसके पापा ने उसको एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या किया, इंस्पायर किया। पांचवें का तीसरा, इंस्पायर के अलावा और कोई सूटेबल नहीं बैठेगा। छठा, शी डैश वरीड अबाउट समथिंग, जैसा कि इस समय तुम सब लोगों के साथ हो रहा होगा ना, एग्जाम की चिंता हो रही होगी थोड़ी सी, तो इसमें क्या होगा, शी लुक्स वरीड समथिंग, छठे का पहला ऑप्शन होगा ए फॉर एप्पल। कॉमन एरर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर सेवन से, इफ यू विल वर्क हार्ड, बस इतने में ही मिस्टेक मिल गई। इफ यू विल वर्क हार्ड में विल गलत है,
इफ यू वर्क हार्ड सेंटेंस होगा, ना कि इफ यू विल वर्क हार्ड। सातवें का पहला ये कंडीशनल सेंटेंस था। आठवां, शी हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 डेज। 5 दिन से वो सेम लेसन पढ़ाती आई है। तो जो 5 दिन का पीरियड है ये पॉइंट नहीं है, पीरियड है, इसलिए यहां सिंस नहीं लगेगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। आठवें का थर्ड ऑप्शन सी, फॉर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शी केम टू माय होम यस्टरडे बाय फुट। बाय फुट गलत है, बाय फुट नहीं होता, पैदल चलने की अंग्रेजी होती है ऑन फुट। 9वें का सी एज इन चंडीगढ़। 10वां, इफ ही वाज अ वुमन, अगर वो एक महिला होता, ही वुड नो, उसे पता चलता द स्ट्रगल्स ऑफ अ वुमन, एक महिला का स्ट्रगल। तो इफ ही वाज की जगह लगाइए ही वर। कंडीशनल सेंटेंस है भूतकाल में, जो काश वाले सेंटेंस होते हैं, काश की ऐसा होता, काश की वैसा होता, वहां प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। 11वां सवाल देखिए, कॉमन एरर का, मॉडल पेपर का 11वां है, कॉमन एरर का 4th-5th होगा। चिल्ड्रन हैव बीन रूटीनली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट पोलियो, आजकल तो पोलियो की जगह कोविड कर लो, फॉर 1958। अब ये जो 1958 है ये फिक्स टाइम हो गया, फिक्स टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, फिक्स टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां 11वें सवाल के 3rd ऑप्शन में फॉर की जगह लगाइए प्रीपोजिशन सिंस। 12वां क्वेश्चन देखिए, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू आर ऑफ हेल्प टू मी। ये जो पूरा ऑप्शन लाइन है आर ऑफ हेल्प टू, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बकवास है। इसकी जगह सही होगा इफ यू हेल्प मी नाउ, यदि अभी आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद होऊंगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर आई मेट राजीव, राजीव के मिलने से पहले, आई हैड हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, राजीव से मिलने से पहले मेरी उसके बारे में राय अच्छी नहीं थी। तो जो 2 बार हैड लगा है, ये 2 बार हैड, बिफोर आई मेट राजीव आई हैड हैड पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, नो इंप्रूवमेंट। बच्चों ये जो 2 बार हैड लगा देखने में गलत लगेगा, हकीकत में सही है। क्यों? एक बार हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक बार हैड मेन वर्ब है। रखना के अर्थ में मेन वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म है, बिफोर लगा हुआ है, जो काम पहले खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आई हैड हैड, भाई पहले ओपिनियन थी तब मुलाकात हुई, मुलाकात वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में होगा। 13वें सवाल का हैड हैड जो 2 बार आया है वो दोनों बार सही है, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई वुड ग्लैडली अकंपनी योर सिस्टर, मैंने आपकी सिस्टर के साथ खुशी से साथ दिया होता, इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर आपने उससे पहले कह दिया होता। यहां जो हिम लगा है ये मिसप्रिंटेड है, हिम की जगह मी माने। भाई किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी बहन के साथ रहा होता अगर आपने पहले से मुझसे कह दिया होता। अब यहां गलती क्या है, I would gladly accompany your sister if you had asked. ये conditional sentence है, if you had asked. तो इसमें क्या होगा कि if you had asked वाला sentence past perfect हो गया। तो इसका जो result बनेगा helping verb would have के साथ verb की third form से। तो would have के साथ verb की third form लगाइए और 14वें सवाल का पहला option आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां देखिए। The boy told his teacher to explain the passage. ये sentence है, इसका आपको improvement करना है। The boy told his teacher, नहीं, जब किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो ask लगाया जाता है। The boy asked his teacher. उसके बाद question number 16 देखिए। Question number 16 में क्या है जी, Sumita would have looked smart in traditional clothes. तो Sumit would have looked smart की जगह होगा, वैसे तो सुमित लगा होता और स्मार्ट ट्रेडिशनल क्लॉथ में, नो इंप्रूवमेंट, सब सही है। वुड हैव लुक्ड स्मार्ट एकदम सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू विल प्रे सिंसियरली, अगर आप गंभीरता से प्रार्थना करते हैं, विल गलत है इसमें, ये होगा इफ यू प्रे सिंसियरली, क्योंकि सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट बना हुआ है ये वाला, ये रिजल्ट है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसलिए यहां पर 17वें का A4 एप्पल होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां से आपके सिनोनिम स्टार्ट हो जाते हैं। पहला वर्ड है आपका सफल, सफल जिसका की मतलब होता है फ्लेक्सिबल, तो सफल का पर्यायवाची हो जाएगा फ्लेक्सिबल, वो इसका मतलब ही होगा। राउंड गोल, रिजिड और हार्ड आपस में पर्यायवाची हैं, ऐसे नहीं होंगे। अगला शब्द आपके पास है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है रईस, जिसके पास बहुत पैसा हो। प्रीशियस माने कीमती, बेनेवोलेंट माने लाभार्थी, फ्रेंडली मित्रवत, वेल्दी इसका पर्यायवाची है, 19वें का डी फॉर दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 20 पर, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, क्या मतलब होता है हेजिटेट का, हिचकिचाना, हिचकिचाने का पर्यायवाची क्या होगा, रिलक्टेंट, 20वें का ए फॉर एप्पल हो गया। 21वां देखिए कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक, कॉन्शियस का मतलब जागरूक। अब जागरूक के लिए विजन, दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, समझदार, नथिंगनेस कुछ नहीं, अवेयरनेस, जागरूक यही होगा, कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस। फिर अगला है कैलिबर, जैसे कितना कैलिबर है इस बच्चे में, मतलब कितनी इसकी कैपेसिटी है, 20 का बी फॉर बॉम्बे इसकी कैपेसिटी क्या है। अगला है परसुएड, जिसका मतलब होता है लगातार फॉलो करना, अनुसरण करना, पर्यायवाची होगा कोर्स। डिटर मतलब होता है पथ भ्रमित होना, हिंटर रास्ते में बाधा, रेस्टोरेंट रास्ते में बाधा, तो इसका हो गया सी फॉर चंडीगढ़। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद वॉन्डर मतलब होता है आवारागर्दी करना, आवारागर्दी करने की दूसरी अंग्रेजी होगी रोम। रेस माने दौड़ करना, रेसल माने कुश्ती करना, गैलप माने गुत जाना, रोम मतलब हो गया आवारागर्दी करना। 24 का हो गया डी फॉर दिल्ली। फिर देखिए एंटोनिम, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, तो एंटोनिम क्या होगा, टिमिड माने कायर, बाकी आसान वर्ड है आप जानते ही। 26वां हेस्टन का मतलब होगा जल्दीबाजी करना, तो स्लो का मतलब होगा धीमा करना, वही इसका एंटोनिम होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना, लैक का मतलब कमी, 26 का सी फॉर चंडीगढ़। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, अपोजिट क्या होगा, वाइस, वाइस का मतलब होता है अवगुण। उसके बाद है इवेसिव, इवेसिव का अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट, इवेसिव का मतलब होता है छुपाना, एक्सप्लिसिट का मतलब उजागर करना। कैटेगरिकल आप जानते हैं, कैटेगरी से बना है, इंडेफिनिट भी आप जानते हैं, अनक्लियर भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 29 है रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है आत्मसमर्पण ना करना, पराजय स्वीकार ना करना, उग्रता दिखाना, अपोजिट होगा येल्डिंग, क्योंकि येल्डिंग का मतलब होता है समर्पण, जेंटल मतलब विनम्र, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, काइंड आप जानते हैं। आगे चलिए, अगला शब्द है होस्टिलिटी, होस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, क्या मतलब होता है शत्रुता, एनमिटी का मतलब हो जाएगा शत्रुता, वो खुद ही इसका पर्यायवाची है फ्रेंडशिप, यही अपोजिट है। 30 का बी फॉर बॉम्बे। 31 देखिए एसेंट, ये तो धुन से ही जाहिर है, एसेंट सहमति, डिसेंट असहमति। 31 का सी फॉर कलकत्ता। वन वर्ड के सवाल देखिए, एक ऐसा प्लेस जहां पर मनी इज कॉइन, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिंट, सिक्के ढालने की जगह, उसे कहा जाता है मिंट। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस बाय व्हिच मींस ऑफ व्हिच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, पौधों और जानवरों के श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन, 33 का ए फॉर एप्पल। एक ऐसा व्यक्ति जो संयम करता है लक्ष्य पर, केवल लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और अपने फेलोमेंस पर केंद्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिटिक नहीं कहते, कॉन्शियस व्यू नहीं कहते, पेरेंट नहीं कहते, साइनिक कहते हैं, हिटलर टाइप का बंदा साइनिक उसको कहते हैं। अगला सवाल देखिए 35, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस ऑफ फादर और एंसेस्टर, हमारे पिता, पिता के पिता, उनके पिता से मिली संपत्ति को क्या कहा जाता है, पैट्रीमनी, 35 का ए फॉर एप्पल। मर्सेंट्री तो कंजूस होता है, हेरिडिट्री मम्मी पापा दोनों में से किसी से भी मिली हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी कोई बहुत पुरानी चीज, यहां क्योंकि केवल पिता की बात कही गई है इसलिए पैट्रीमनी। आगे चलते हैं और आगे आता है क्वेश्चन नंबर 36, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के जैसा हो अपनी आदत में, माने ऐसा पुरुष जो महिलाओं के जैसा हो अपनी आदत में, उसे कहते हैं सी फोर कलकत्ता, एफिमिनेट, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, वो कोई भी हो सकता है, और फिलोगाइनिस्ट का मतलब भी महिलाओं के जैसा नहीं होता, फिलोगाइनिस्ट का मतलब महिलाओं से प्रेम रखने वाला, एफिमिनेट एक ऐसा पुरुष जिसके लक्षण महिलाओं के जैसे हो, फेमिनाइन तो एक नाउन का टाइप होता है।
idioms and phrases के सवाल देखिए, between the devil and the deep sea का मतलब होता है एक तरफ कौवा एक तरफ खाई, इसका होगा 37 का C4 चंडीगढ़ in a dilemma, to fight tooth and nail मतलब दांतों और नाखूनों की ताकत लगा देना, अपना सर्वस्व लगा देना, तो होगा C4 कलकत्ता, to make every possible effort to win। उसके बाद to flog a dead horse का मतलब हुआ लकीर का फकीर हिंदी में, इसका मतलब flog a dead horse का मतलब मरे हुए घोड़े पर काठी कसने की कोशिश करना, असक्षम व्यक्ति से कोई बड़ा काम करवाना, 39 का A4 एप्पल होगा। 40 देखिए, to bait the hook to shoot the fish मछली पकड़ने के लिए कांटा तैयार करना, कुछ काम करने के लिए कुछ प्रिपेयर करना, पहला ऑप्शन A4 एप्पल टू प्रिपेयर समथिंग। 41 देखिए, टू मीट वंस वाटरलू, कोई व्यक्ति अपने वाटरलू से जाकर मिले तो टू मीट वंस फाइनल डिफीट, D4 दिल्ली, वाटरलू बना है फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन से, वो अपने जीवन में एक ही युद्ध हारे थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने उनको हराकर वाटरलू के टापू पर कैद कर लिया था। ये वाटरलू जो टापू है वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के देश रशिया में आता है। तो ये हो गया 41 के बाद आइए 42 मिसेस पेल्ट है, मिसेस पेल्ट रेन नी नीदर नीस, एन ई आई नहीं होता एन आई होता है, नीस माने भांजी मतलब भाई या बहन की बेटी, एफिशिएंट सही है, रेटिसेंट सही है, मैग्निफिशिएंट सही है, डेफी डेफिशिएंट 43 का D4 दिल्ली, डेफिशिएंट माने कमी, उसकी स्पेलिंग गलत है। 44 वोकल सही है, फोकल सही है, मिस्टिकल व्हीकल यहां भी गलत है, तीनों में D4 दिल्ली, व्हीकल में VCHI होता है। वॉइस का सवाल देखिए, आई कैन टीच नलनी, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, नलनी कैन बी टॉट बाय मी, देखिए कौन से विकल्प में है, नलनी कैन इसमें भी नहीं है, इसमें पुट हो गया, कैन बी इसमें टीच है, टॉट होना चाहिए, कैन बी टॉट, 45 का D4 दिल्ली। उसके बाद 46, शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, वो बच्चे की देखभाल करती है, तो द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, ये सेंटेंस होगा, द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर, 46 का C4 कलकत्ता। 47, शी इज कॉलिंग मी, पैसिव वॉइस क्या होगा, I am being called by her. I am being called before Bombay. 48 देखिए, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, ट्रेवलर ने कहा सेड की जगह हो जाएगा asked, can you tell me the way to the railway station? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? Yes, I can. जी हाँ, replied the little boy, छोटे लड़के ने कहा। Indirect देखिए, पहला ऑप्शन the traveler asked the little boy whether he could tell him the way to the railway station, the little boy replied that he can. यहाँ पर ये गलती हो गई कि ये can गलत हो गया, वरना ये आंसर हो जाता, can का तो could करना पड़ेगा ना। B for Bombay, the traveler inquired the little boy whether he could tell him the way to the railway station, the little boy replied that he could. इसमें कोई गलती नहीं है, यही है right choice, बीफोर बॉम्बे में कोई गलती नहीं है, सब सही सेट हो गया। सी में क्या गलती है उसको भी देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। सी की गलती को देखिए, ट्रेवलर ने इंक्वायर किया लिटिल बॉय से वेदर आई कुड, प्रोनाउन का ही परिवर्तन नहीं हुआ, आई कुड गलत हो गया, और D4 दिल्ली में ट्रेवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर आई कुड, ये तो वही आई कुड है, आई का परिवर्तन नहीं हुआ, यही समस्या खड़ी हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मैंने उससे कहा लुक एट दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर को देखो, ये बात मैंने उससे कही, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लुक एट दिस पिक्चर, हो सकता है एडवाइस दे हिम, एडवाइस तो ये नहीं है, एडवाइस नहीं होगा, रिक्वेस्ट करने वाला शब्द भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, आई आस्क्ड हिम टू लुक एट दैट पिक्चर, C4 कलकत्ता वाला सही है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दिस को भी बदल के क्या लगाना पड़ेगा, दैट। 50वां सवाल, मैंने उससे कहा व्हेन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब आओगे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आई आस्क्ड हिम वेदर, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही विल, पहला गलत, आई आस्क्ड हिम इफ लग गया, ये भी गलत है, इफ भी नहीं लगेगा, तीसरा आई आस्क्ड, इसमें आस्क के बाद हिम नहीं लगा, ये इसलिए गलत है,
डी फॉर डेली पचा खुचा सही जवाब हो गया, 50 का डी फॉर डेली। तो बच्चों यह था इंग्लिश का मॉडल पेपर, वीडियो क्लास तक बने रहिए, आपके सामने जनरल साइंस और जनरल नॉलेज कि ये 50-50 क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जेएल सिंह फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कोचिंग क्लासेस। डियर, टुडे वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, दैट इज मॉडल पेपर। यू सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैड कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर डियर आपका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया और इसी के द्वारा सीरी फोर्ट का भी निर्माण कराया गया। सीरी सिटी, सीरी फोर्ट वाज आल्सो बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। इसे आप जानते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जहां तक फिरोज शाह तुगलक की बात है, इसने ही बिल्ट मेनी कंस्ट्रक्टेड मेनी कैनल्स इन दिल्ली सुल्तनत। और बलबन, बलबन के बारे में कहा जाता है कि ही बिल्ट लाल महल, लाल महल, इसे आप याद किए रहिएगा, ये भी आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल महल का निर्माण कराया। और इल्तुतमिश के बारे में जरा भी आप कंफ्यूजन मत करिएगा, इसने अतराकीन का दरवाजा, ही बिल्ट अतराकीन का दरवाजा इन नागौर इन राजस्थान। लेकिन यदि आपसे कहा जाए क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन सी, जिसे आप कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हु हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल टू देवगिरी फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर आप देखिए देवगिरी से दिल्ली कैपिटल कौन ले गया, या कैपिटल देवगिरी से दिल्ली। तो आप कहेंगे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक, हु शिफ्टेड मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मेनी मेनी टाइम्स अटैक्स हो रहे थे। दूसरा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी, अपना कैपिटल ये कहाँ बनाया था, दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली। और गयासुद्दीन तुगलक एवं अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर कोई चीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैड बिल्ट द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। सी इसका करेक्ट आंसर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया गया, जो कि कहा जाता है कि यह दरवाजा किसके तर्ज पर, किसके अंकरण या कॉपी हुआ करती है, अतराकीन का दरवाजा व्हिच वाज बिल्ट बाय इल्तुतमिश इन नागौर। यहाँ पर इसको आप जानते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है जिसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहाँ पर टोम्ब ऑफ जहांगीर इज लोकेटेड एट, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, आप कहेंगे शाहदरा। ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के लाहौर के निकट, इट इज लोकेटेड नियर टू द पाकिस्तान, नियर टू द शाहदरा इन लाहौर। और जहां तक आगरा की बात है, आगरा में अकबर का टोम्ब स्थित हुआ करता है, जिसे आप कहते हैं कि
कहां? सिकंदरा। उस प्लेस का क्या नाम है? सिकंदरा। दिल्ली में हुमायूं का टोम्ब हुआ करता, टोम्बा हुमायूं। एवं आपका इस प्रश्न के अनुसार अब अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज कॉल्ड डायमंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत का डायमंड किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ही इज कॉल्ड डायमंड ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी, दादा भाई नेहरू जी। यू सी हियर, दादा भाई नेहरू जी। ही इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड हिज फेमस बुक वाज वेल्थ ऑफ नेशंस एंड ही रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, यू नो हिम वेरी वेल दैट ही रोट फेमस बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और बाल गंगाधर तिलक की अगर बात किया जाए, हिज सरनेम और टाइटल वाज लोकमान तिलक। तो इसे आप याद किए रहिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का ऑर्गेनाइजर कौन थे? ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। या पार्टी, दिस पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को बाय लाला हरदयाल। तो आपका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप अगला देखें, व्हेन हैड द रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और फुल फ्रीडम वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और नारा कब दिया गया? 1929 AD में। कब दिया गया? 1929 में, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर। बी इज करेक्ट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन नंबर 8, दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हियर करेक्ट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर वॉरेन हेस्टिंग की बात किया जाए, ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, बाय द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती कस्टम वाज फिनिश्ड। कौन सा? सती प्रथा का अंत किया गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। He was first Indian as well as last independent governor. इसका मतलब है स्वतंत्र भारत में अंतिम कौन थे? राजगोपालाचारी। इनको आप, his title was राजा जी, इन्हें आप जानते रहिएगा। और इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। इन्होंने ही, लॉर्ड माउंट बेटन ने ही महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का इन्होंने टाइटल दिया। और अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर आप कहेंगे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। इसे द रिपन दी गुड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। हु इज कंसीडर्ड एज
फाउंडिंग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसे आप याद कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आयरन फ्रेम के नाम से भी जाना जाता था। इस एग्जाम को कम टू द नेक्स्ट, हु हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड बेलेजरी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन और ध्यान से देखिए। जैसे यू सी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कॉल डिस्ट्रॉइंग रिवर। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो डिस्ट्रॉइंग रिवर किसे कहा जाता है, कोसी रिवर। इट इज नोन एज दैट सारो ऑफ बिहार। इसको आप क्या कहते हैं, सारो ऑफ बिहार, बिहार का शोक या दुख के नाम से आप पुकारते हैं। जबकि अगर नर्मदा की बात किया जाए, नर्मदा और ताप्ती बोथ रिवर फ्लोज इन इंडिया ऑन मेनलैंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंभात इन अरेबियन सी। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लेकिन याद की रहिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। करेक्ट आंसर इज हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ 4801.2 मीटर हुआ करता है। एंड इट इज आल्सो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का भी ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। इट इज बिल्ड एन महानदी रिवर, किस पर है, महानदी पर है, किस पर है, महानदी। दूसरा नागार्जुन, दिस इज नागार्जुन सागर डैम इज फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। एंड भाखड़ा डैम इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर आपके प्रश्न की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट, दैट क्वेश्चन नंबर 15, मेटूर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु। ऑन कावेरी रिवर, कहाँ पर, कावेरी रिवर। इसी पर कर्नाटका में शिव समुद्रम, कावेरी रिवर पर ही शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटका। केरल में आप याद की रहिएगा पेरियार, लेकिन इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, लोकटक लेक द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिचुएटेड विच स्टेट। इट इज लोकेटेड इन मणिपुर। कहाँ पर, मणिपुर। इसी में एक गार्डन है, नेशनल पार्क है, कीबुल लाम जाओ विच इज सिंगल फ्लोटिंग गार्डन ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसको आप याद किए रहिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं हु इज नोन बाय द निकनेम गार्डन ऑफ स्पाइसेस। इट वाज आल्सो आस्क्ड इन लास्ट एग्जामिनेशन। आई यू सी केरला, केरला इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। एंड इंडिया इज नोन एज स्पाइसेस हाउस इन द वर्ल्ड। जहां तक झारखंड की बात है तो यहाँ पर आप रखे रहिएगा, याद करें कि झुमरी तलैया इज लोकेटेड हियर एंड झारखंड इज वेरी फेमस फॉर कोल प्रोडक्शन एंड कर्नाटका इज फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी द सॉइल सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिकली प्लाउड सॉइल।
और ब्लैक कॉटन शॉल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट किसे कहा जाता है, कांगला, कांगला इज नोन एज टाइडल पोर्ट। कांगला एंड कोलकाता, कोलकाता बोथ आर टाइडल पोर्ट इन इंडिया। एंड मुंबई, मुंबई यू सी मुंबई इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया, पोर्ट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैसेंजर पोर्ट ऑफ इंडिया। हियर यू सी दिस इज बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज ओल्डेस्ट। हियर यू सी विशाखापट्टनम इज डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर मारमागाओ विच इज लोकेटेड इन गोवा, आयरन ओर का मैक्सिमम ईरान देश के साथ एक्सपोर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर क्या है, कांगला। कम टू द नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सिचुएटेड। इट इज सिचुएटेड इन मुंबई, ऑप्शन सी। इट इज आल्सो कॉल्ड जेएनपीटी, जेएनपीटी इट इज आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। दैट वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन, आपका करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड, उत्तराखंड। एंड केरला इज कॉल्ड साइलेंट वैली, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन केरला। हियर व्हाट ही हैज आस्क्ड, सी वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड इन उत्तराखंड। एंड हिमाचल प्रदेश इज नोन एज फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया। एंड जम्मू कश्मीर इज फेमस फॉर apples, famous for apples, and also it is known as that Switzerland of India and saffron production. Yeah, you see your correct answer is Valley of Flower is located in Uttarakhand. Come to the next question. See question number 22, which is not matched. See option A, Kewla Dev Sanctuary, Maharashtra. No. First, this is which is not merged. It means it is not correct. Kewla Dev Sanctuary is located in Rajasthan. Your correct answer is option A. Come to the next. Which animal is protected in Kaziranga National Park? See, option C, single horn rhino. Option C is correct answer. Come to the next. Quinine is obtained from which tree? It is obtained from cinchona. Option B is correct. Used for malaria treatment. Used for malaria treatment. Come to the next question number 25. Human Development Index or HDI is a brainchild of which economist? You see option D, Mahbub ul Haq. Come to the next. You see who is called the harbinger of liberalization of Indian economy? Option B, Dr. Manmohan Singh. Come to the next. Where was the Central Statistical Organization? You can say CSO. Established. It was established in 1951. Your correct answer is option A, 1951, 2nd May 1951. Come to the next. C is the famous book of Asian drama. Asian drama book was written by option C, Gurnard Myrdal. C, where was the third Buddhism Council was held? Your correct answer is option C, Pataliputra. See here, first in Rajgiri, second in Vaishali, third in Pataliputra, and fourth was in Kundalban, which was located in J&K. So according to question, your correct answer is C, Pataliputra.
come to the next. Kiruna, which is located in Sweden, is famous for coal. Option A is correct answer. See next. What is the capital of Mali? Capital, Mali ki capital kya hai? Option A, Bamako is the capital of Mali. See next. High temperature is measured by pyrometer. It means B is the correct answer. See next. World Food Day is celebrated on option A, 16 October. See the 16 October and remember it. See next question here that who was the first Chief Election Commissioner of India? Here, Sukumar Sen, option D is the correct answer. And here, G.V. Mavlankar, he was first Speaker of Lok Sabha. As well as he is also called father of Lok Sabha. Your answer, correct answer is option D. Come to the next. Which of the following article of the constitution directs the state government for the creation of Panchayati Raj? Panchayati Raj system, option A, article 40. It is related to article 40. Next. Who is said to be the father of geography? See here, Hecateus. Hecateus is called father of geography. And Herodotus is called father of historical geography. And Eratosthenes is known as, he is called father of systematic geography. And here, Anaximander, firstly, draw the map of world measurement based. So according to question, your correct answer is option D, Hecateus. Come to the next question. Who had discovered the solar system? Option C, Copernicus. Aapka answer kya hoga? Copernicus. Yahan par aap jante rahiye, Galileo, he invented, he discovered telescope, and Kepler gave the definition of planets. Here your correct answer is option C. Come to the next. Which planet is closest to the Earth? Here you see option A, Venus is the closest planet to the Earth, and second nearest is Mars. Come to the next question. You see, where is the Sea of Tranquility or Silent Sea situated? Option D, it is situated on Moon, which is satellite of Earth. What is Syzygy? You see, Syzygy is a state in which Sun, Moon, Earth comes in a straight line. Sun, Moon and Earth, when they comes in a straight line, this is known as Syzygy. Here you see, your option first is correct answer. Now come to the next. That Great Barrier Reef is in which country? It is located in Australia. In, you see, where it is located? It is located in Pacific Ocean. And it is also called Water Under Garden. It is longest coral reef of the world. See, come to the next question. That highest navigable lake is Titicaca. Which Titicaca? Option A. Come to the next. Biggest continent of the world is C. Option C, Asia. Asia is biggest on the basis of area as well as first on the basis of population. Here you see, Africa is also known as Dark Continent. South Africa is called the continent of birds. And see, North America, it was named on the basis of Amerigo Vespucci. And also it was discovered by, here you see, discovered by whom? Columbus in 1492 AD. Come to the next question here. That Gobi Desert is situated in which country? It is situated in
मंगोलिया. इन मंगोलिया इज नॉट इन ऑप्शन सी इन मंगोलिया एज वेल एज इन चाइना. एंड कालाहारी वेयर सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड इन यू सी इन साउथ वेस्ट अफ्रीका. एंड सहारा इज ऑल्सो लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. योर करेक्ट आंसर इज हियर मंगोलिया. कम टू द नेक्स्ट. विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ सेवन माउंटेन्स रोम. ऑप्शन डी. विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टाइगर रिवर. लंदन इज सिचुएटेड ऑन थेम्स रिवर. एंड यू सी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. स्वेज कैनाल कनेक्ट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. मेडिटेरियन सी एंड रेड सी. भूमध्य सागर एवं लाल सागर को ये करेक्ट करता है. कम टू द नेक्स्ट. द करेंसी नोट इन इंडिया इज इशूड बाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट आंसर सी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज. स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिसाइल. एपीजे अब्दुल कलाम. इट मीन्स हियर ए इज ऑल्सो ए इज करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट. हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. ऑप्शन ए चार्ल्स डेविड. ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. सो माय डियर आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज स्टडी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गिवन सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर. दैट्स ऑल डियर. थैंक्स डियर. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेसी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस. मैं देवेश मौर्य. आज आपको हम मॉडल पेपर बायो से रिलेटेड लेकर के आए हैं जो आपको आगामी 28 जुलाई को जो एग्जाम होने जा रहा है उसी के परिपेक्ष में ये मॉडल पेपर जा रहे हैं. तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग देख लेते हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे. रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द फादर ऑफ मेडिसिन इज. तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं कि द फादर ऑफ मेडिसिन इज, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द फादर ऑफ मेडिसिन इज, तो किसको कहा जाता है. तो फादर ऑफ मेडिसिन जब आप सिंपली लर्न करते हैं तो फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. क्लियर हो गया. बाकी अदर जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं जैसे आपने रॉबर्ट कोच का नाम सुना होगा, इन्होंने कोच पास्टुलेशन दिया था. क्या दिया था इन्होंने, इनको जब आप पढ़ते हैं कोच पास्टुलेट वहां पे इन्होंने दिया था. ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, कोच पास्टुलेशन दिया था. और रॉबर्ट कोच ने ही बताया था कि जो एंथ्रेक्स है, क्या है, एंथ्रेक्स है, कॉलरा है, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो डिजीज होती है, ठीक है, दैट इज ये सब एंथ्रेक्स कॉलरा टीबी किसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. इन्होंने ही बताया था कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. क्लियर हो गया, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा. याद रखिएगा रॉबर्ट कोच का ये था. लुईस पाश्चर आप पढ़ते हैं इन्होंने क्या दिया था, पास्चराइजेशन टेक्निक. क्या दिया था, पास्चराइजेशन टेक्निक के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पास्चराइजेशन टेक्निक किसने दिया था, लुईस पाश्चर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक दिया था. क्लियर हो गया. प्लेटो के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या थे, तो प्लेटो के बारे में क्या कहानी है, तो प्लेटो जब आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ये क्या था, फिलासफर था. प्लेटो क्या था, फिलासफर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ करके आपको पढ़ाया भी जाता है कि प्लेटो क्या था, फिलासफर था. क्लियर हो गया. और ये किसके शिष्य थे, यानी आपने पढ़ा होगा सोक्रेटिस, यानी जो आपने सुकरात पढ़ा होगा तो सुकरात के शिष्य यानी पीपल यानी कौन थे, प्लेटो थे. और प्लेटो के जो शिष्य थे कौन थे, तो प्लेटो के जब शिष्य की बात आती है तो एरिस्टोटल. कौन है, एरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, जिनको फादर ऑफ
बायोलॉजी, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब एरिस्टोटल के दो महान शिष्य वो कौन कौन से, एक आपने पढ़ा होगा थियोफास्टस, कौन था, थियोफास्टस था, ठीक है, और दूसरा कौन था कि द ग्रेट एलेक्जेंडर, जिनके बारे में आप पढ़ते होंगे, द ग्रेट एलेक्जेंडर यानी, ठीक है, किसके शिष्य था, एरिस्टॉटल के शिष्य थे। ये पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज मेजर बाय, यानी हीमोग्लोबिन का जो प्रेजेंस है ब्लड में हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का जो प्रेजेंस को हम मेजर किसके द्वारा करते हैं, तो आपको पता होगा होमोमीटर्स होता है, उसी सैली होमोमीटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बाकी लैक्टोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको क्या किया जाता है, मिल्क ना, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन मिल्क, ठीक है, यानी मिल्क में वाटर के प्रेजेंस के बारे में जो जानकारी हम लोग टेस्ट करते हैं लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर्स क्या होता है कि विंड प्रेशर को क्या मेजर करते हैं, विंड प्रेशर यानी वायु दाब को, ठीक है, किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एमन नॉन इंफेक्टियस डिजीज इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा नॉन इंफेक्टियस डिजीज है, ठीक है, तो नॉन इंफेक्टियस डिजीज का मतलब दो डिजीज व्हिच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज नोन एज नॉन इंफेक्टियस डिजीज। और नॉन इंफेक्टियस डिजीज जो होता है इसमें से कौन सा ऐसा है जो मेजर कॉज ऑफ डेथ करता है, तो यहां पे जब नॉन इंफेक्टियस डिजीज के बारे में जाएंगे तो क्या कहलाता है, कैंसर इज वही यानी बीमारी है जो क्या करता है, नॉन इंफेक्टियस है और मेजर कॉज ऑफ डेथ का रीजन होता है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी गुड हेल्थ के लिए से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसको मेंटेन करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप देखते हैं तो पहला बैलेंस डाइट गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, नेक्स्ट क्या है पर्सनल हाइजीन, ये भी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है, एक्सरसाइज ये भी हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट इज इट मींस ऑल ऑफ द एबव यहां पे क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में जब हम लोग देखते हैं तो एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यहां पे पूछा जा रहा है किसके कारण, आयरन की डिफिशियंसी के कारण कौन सा डिजीज कॉज होगा। क्लियर हो गया, तो यहां पे आपको परनेशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, नन ऑफ द एबव, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा न्यूट्रिशनल एनीमिया मींस अगर फूड में भोजन में अगर आयरन की क्या हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, आयरन की, मींस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, किसकी डिफिशियंसी ऑफ आयरन, जब आयरन की कमी हो जाती है तो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। क्लियर हो गया, फिर यहां पे आप पढ़ते हैं परनेशियस एनीमिया किसके कारण होता है, तो आपको पता है विटामिन बी 12 यानी विटामिन बी 12 की कमी होगी, तो कौन सा एनीमिया होगा, परनेशियस एनीमिया होगा। तो थैलेसीमिया क्या होगा, ये भी क्या होता है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ठीक है, ये डिसऑर्डर ऑफ ब्लड किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, किससे रिलेटेड होता है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है, और दैट डिजीज इज कैसी डिजीज होती है, जेनेटिकल डिजीज होती है, कैसी डिजीज है, जेनेटिकल डिजीज है। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन गिव ब्लड टू, मीन्स एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो यहाँ पे ए बी आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, तो ओनली ए बी को ही दे सकता है, बाकी अदर्स को अपना यह ब्लड नहीं डोनेट कर सकता। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट।
द कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट, मतलब ऐसे कौन सा कॉमन कोल्ड है जो रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करेगा बट किसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लंग्स को छोड़ करके बाकी ट्रैकिया को इन्फेक्ट करेगा, ब्रोंकस को इन्फेक्ट करेगा बट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, दैट इज लंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन पर मिनट, यानी पूछा जा रहा है कि ब्रेन को पर मिनट ब्लड की सप्लाई होती है तो कितना ब्लड की सप्लाई होती है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा 750 ml, यानी ब्लड की सप्लाई कितना क्या होती है पर मिनट यहाँ पे होती है। किडनी तो आपके बुक में दिया गया, अगर आपको यहाँ पे किडनी से पूछा जाए कि किडनी को पर मिनट कितने ब्लड की सप्लाई होती है तो 1250 ml, ठीक है 1200 का लीजिएगा 1250 ml, यानी क्या होती है ब्लड की सप्लाई किसके पास होती है ब्रेन को होती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट, तो एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ है वो कितने दिन के लिए होती है, तो सिंपली आप लोग पढ़ते हैं तो कितने दिन की 120 डेज की, कितने बताएंगे 120 डेज की एवरेज लाइफ स्पान आरबीसी की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पान क्या होती है तो डब्ल्यूबीसी का आप क्या बताते हैं 10-20 डेज, क्या बताएंगे 10-20 डेज डब्ल्यूबीसी की होती है। अगर प्लेटलेट्स का अगर आपसे पूछा जाए तो प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान होती है 10 डेज, यानी प्लेटलेट्स की लाइफ स्पान 10 डेज, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की हम क्या बताते हैं 10-20 डेज, कहीं कहीं की बुक में 10-12 डेज भी लिखा रहता है बट आप इसी के आसपास जो भी आंसर होगा आप टिक करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द प्लाज्मोडियम इंटर्स टू द ह्यूमन बॉडी बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोस, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जब मॉस्किटोस यहां पे क्या करता है वहां पे काटता है हमको तो वहां पे प्लाज्मोडियम इंसेक्ट हो जाता है। अब बात आ रही है ऐसा कौन सा मॉस्किटोस है जिसके थ्रू प्लाज्मोडियम इंटर करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि क्या होती है फीमेल, ठीक है एनाफिलीस, क्या बताएंगे यानी आप क्या बताएंगे फीमेल एनाफिलीस यानी वहां पे होती है उस फीमेल एनाफिलीस के थ्रू यहां पे क्या होता है कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर करता है। क्लियर हो गया, तो बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो ये जो क्यूलक्स होता है, क्यूलक्स क्या करता है ये आपको बताना है, क्यूलक्स के द्वारा क्या होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो डिजीज है वो किसके द्वारा काज होता है क्यूलेक्स के द्वारा, यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज कॉज बाय क्यूलेक्स के द्वारा या क्या होता है कॉज होता है। बात आता है अब एडीज के बारे में हम लोग देखते हैं तो एडीज क्या काज करता है, तो एडीज के द्वारा कौन सा डिजीज होगा डेंगू फीवर होगा, कौन सा फीवर डेंगू फीवर येलो फीवर, ठीक है चाहे डेंगू फीवर कहेंगे चाहे येलो फीवर कहेंगे या आप इसी को चिकनगुनिया के भी नाम से ये जाना जाता है, ठीक है तो चिकनगुनिया हो गया डेंगू फीवर हो गया या येलो फीवर हो गया तो किसके द्वारा एडीस जो मॉस्किटोज है उसके द्वारा ये कॉज्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन को देखते हैं। द ह्यूमन हार्मोन मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड, सिंपल सा ये भी आपके क्वेश्चन रिपीटेड है जो पूछे गए एग्जाम में मेनी टाइम्स, तो वहां पे मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होता है किसके द्वारा होगा, तो मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होता है तो पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, तो पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बाकी थायराइड है तो थायराइड से आपने पढ़ा होगा कि थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है वहां पे सिक्रीट होते हैं, और एड्रिनल से आपको दो पार्ट्स हैं एक कॉर्टेक्स है एक मिडुला है, तो मिडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन से आपको पढ़ेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स मिनरलोकार्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल। क्लियर हो गया। हाइपोथैलेमस से आपने पढ़ा होगा दो होते हैं, एक आपको क्या होता है स्टिमुलेटरी हार्मोन और
सेकेंड इज इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 12 एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट कॉज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जिसके द्वारा अमीबियोसिस डिजीज कॉज होती है। क्या होती है? अमीबियोसिस डिजीज कॉज होती है। और स्कैरियासिस जो होती है किसके द्वारा होती है? स्कैरिस के द्वारा पाई जाती है। स्कैरिस क्या कॉज करता है? स्कैरियासिस कॉज करता है। और जो फाइलेरियासिस है ये किसके द्वारा कॉज होता है? तो निमेटोड्स होते हैं। क्या होते हैं? निमेटोड्स होते हैं। निमेटोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। और उस निमेटोड का नाम क्या है? वुचेरिया। क्या नाम है? वुचेरिया बैनक्रॉप्टी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है? फाइलेरियासिस डिजीज कॉज होता है। इसका मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करेगा? अमीबियोसिस डिजीज कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड इज द ऑप्शन सा। द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ में क्या ऑप्शन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है? WBC, यानी जो ब्लड होता है, ठीक है, और ये जो ब्लड होगा जब यहाँ पे क्या होता है, जब लिम्फ बनता है उसमें से क्या होता है? WBC। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड इज द ऑब्सेंस ऑफ। तो आपको हम बता रहे थे कि जो ब्लड होता है इस ब्लड में से अगर RBC क्या हो जाएगी? ऑब्सेंस हो जाएगी, माइनस कर देंगे, तब वो पार्ट क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा। यानी लिम्फ में क्या नहीं होते हैं? RBC नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिम्फ में क्या प्रेजेंट होगा? WBC होंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स होंगी। क्या होंगी? प्लेटलेट्स होंगी एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सब लिम्फ में पाए जाएंगे बट RBC यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स इज नोन एज। यानी ब्लड कॉर्पसेल्स के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमोलिसिस क्या है? हीमोलिसिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। यानी RBC का जब डिस्ट्रक्शन होता है हीमोलिसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? इनगल्फिंग ऑफ फूड। क्या होगा? इनगल्फ ऑफ फूड बाय प्रोटोजोअन कह लेंगे या WBC कह लेंगे, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वहां पे इंगल्फ किया था फूड को, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए नेक्स्ट, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अमीबियोसिस। अमीबियोसिस जो डिजीज है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन होता है, यस, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल विद ब्लड होगा, दैट इज राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? 15 भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, द डायबिटीज इंसिपिडस इज अंडर कंट्रोल ऑफ। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? ADH के कंट्रोल में होता है। क्लियर हो गया? तो यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, दूसरा नाम है सुप्रेसिन है, ये क्या करता है? रीऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ाता है। कहां पे बढ़ाता है? DCT एंड कलेक्टिव ट्यूब्यूल में यह प्रोसेस को बढ़ा देता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है ADH की, तो डायबिटीज इंसिपिडस नामक डिजीज कॉज होता है। क्लियर, द इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड, मतलब जो इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ जो प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। यानी बर्थ के टाइम पे जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी इननेट इम्यूनिटी कहलाएगी। फिर लाइफ टाइम के दौरान जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी तो क्या कहलाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। और एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो आपको वैक्सीन दिया जाता है, आफ्टर वैक्सीन के बाद जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? कि जब हमको तुरंत आवश्यकता पड़ती है, जैसे एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो रेडीमेड अगर आपको दिया जाए तो क्या कहलाएगा? पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मॉडिफाइड फ्लैटेंड स्टेम इज कॉल्ड। यानी जब
स्टेम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देते हैं अपंसिया में क्या होता है, अपंसिया जैसे हो गया, इसमें जो स्टेम्स होता है मॉडिफाइड हो जाता है, पैटर्न हो जाता है, और लीफ मॉडिफाइड हो जाती है, स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती है, तो उसको फाइलोक्लेड्स कहते हैं। एक इसमें सौर आया है क्लेडोथार माने आपका कॉटे हो गया, तो लीफ जनरली मॉडिफाइड होती है थार्म्स में। फिर बात आती है टेंड्रिल्स में, तो टेंड्रिल्स के वहां पे पेटियोल भी मॉडिफाइड होता है, लीफ भी मॉडिफाइड होते हैं, बट एक आया आपका क्लेडोड्स। तो क्लेडोड्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, किसका, स्टेम का, ये भी मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है वन आर टू नोड इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे एस्प्रागस नामक जो प्लांट्स है उसमें क्लेडोड्स पाया जाता है, ठीक है। एक आपको और पूछा जा सकता है फिलोड्स, क्या पूछा जा सकता है कि फिलोड्स क्या है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी लीफ का मॉडिफिकेशन है, क्या ऐसा, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन, क्लियर हो गया, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है वो, फिलोड हो गया, क्लेडोड, ये भी स्टेम्स होंगे, वन आर टू नोड्स प्रेजेंट होंगे, बट फाइलोक्लेड्स क्या होता है, पैटर्न स्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है। अपेंसिया इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कार्कैंबियम इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कार्कैंबियम इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कार्कैंबियम किसका एग्जांपल होता है, तो कार्कैंबियम किसका एग्जांपल होता है, तो कार्कैंबियम लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है, ठीक है। और ये जो कार्कैंबियम होता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम होता है, क्या होता है, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है, याद रखिएगा, क्योंकि यह मेरिस्टेम बाद में बनता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं बनता है, ठीक, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी इंटरकैलेरी मेरिस्टेम आपको कहां प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ इंटर नोड या बेस ऑफ द नोड, और जब इंटरकैलेरी मेरिस्टेम डिवाइड होता है तो आपको पता है कि स्टेम की क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ जाती है, और एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ द रूट और स्टेम पे प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम जब डिवाइड होता है तो क्या बनता है, वहां पे स्टेम लंबाई में यानी लेंथ में क्या करता है, इंक्रीज करता है, और लैटरल मेरिस्टेम जो यहाँ पे कॉलकैंबियम होता है, जब ये डिवाइड होता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है, और साथ ही साथ स्टेम की जो गर्थ है या थिकनेस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मेनली ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, आउटर लेयर, ठीक। चलिए, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर इन ह्यूमन इज, यानी कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड ह्यूमन इज, तो फूड और ह्यूमन का जो कॉमन पाथवे है वो क्या कहलाता है, फायरिंग्स के नाम से जाना जाता है, क्लियर हो गया। ग्लॉटिस क्या होती है कि जब विंड पाइप की जो ओपनिंग होगी उसी को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस कवरिंग दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस कहलाएगा, और जो साउंड बॉक्स होता है उसको लैरिंक्स कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, साउंड बॉक्स हो गया, क्या हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, और लैरिंक्स कहलाएगा। ग्लॉटिस क्या होगा, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जो विंड पाइप की ओपनिंग होगी दैट इज नोन एज ग्लॉटिस कहलाएगी, और ये ग्लॉटिस जो होती है कवर्ड होती है, ढकी रहती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंगल्फिंग ऑफ फूड या एट द टाइम ऑफ इंगेशन ऑफ फूड, आप कह सकते हैं कि जो ग्लॉटिस होता है, सॉरी ग्लॉटिस को इपिग्लॉटिस कवर करता है, यानी कवर्ड बाय इपिग्लॉटिस, ठीक है, और इपिग्लॉटिस कैसी होती है, कॉटिलेज की बनी होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फास्ट रिएक्शन 21 का क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, क्लियर हो गया। 21 में जब क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा गया है कि फास्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च फॉर्मेशन, नो ये लास्ट में होगा, CO2 फिक्सेशन, डार्क रिएक्शन ये भी नहीं होता है, ग्लाइकोलिसिस ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो दैट इज ये भी आपका रॉन्ग हो गया।
तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी सबसे पहले क्लोरोफिल का क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, यानी जब लाइट पड़ती है तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, और लाइट रिएक्शन जो स्टार्ट होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, यानी फ्रॉग में रेस्पायरेशन पाया जाता है, तो फ्रॉग में रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, स्पेशली स्किन के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, स्किन के द्वारा, यानी फ्रॉग में जो रेस्पायरेशन होता है क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखा जाए, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिस्पांसिबल है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो रॉड यहां पे नहीं, ठीक है, रेटिना नहीं होगा, आयरिस नहीं होता, कॉर्न्स होते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या होते हैं, कॉर्न्स रिस्पांसिबल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिफॉल्टी, यानी जब कॉर्न बन जाता है, क्या बन जाता है, डिफॉल्टी जब कॉर्न्स बनता है तो उस डिफॉल्टी कॉर्न्स के कारण क्या कॉज होता है, कलर ब्लाइंडनेस कॉज होता है। क्लियर हो गया इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या करा कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन डायाफ्राम गोस, यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं एक्सपायरेशन करते हैं तो उस समय जो डायाफ्राम होता है हमारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो जब ऊपर की तरफ डायाफ्राम उठता है तो जो लंग्स के अंदर कैविटी है या लंग्स ऊपर प्रेशर पड़ता है उसी के कारण एयर बाहर रिलीज हो जाती है, तो आपको डाउन नहीं होगा, गोज इनसाइड अंदर भी नहीं होगा, आउटसाइड भी नहीं होगा, मूव्स अप, कहां पे उठती है, ऊपर की तरफ ये डायाफ्राम उठ जाती है, ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर, एस्केरियासिस इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज, यानी एस्केरियासिस क्या होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, उसके द्वारा क्या होता है, क्या कॉज होता है, तो फाइलेरियासिस नहीं, अभी आपको हमने बताया, तो फाइलेरियासिस किसके द्वारा होगा, वुचेरिया के द्वारा होता है, इसके द्वारा वुचेरिया, वुचेरिया किससे बिलोंग करता है, नेमेटोड से बिलोंग करता है, ठीक है, एस्केरियोसिस किसके द्वारा होगा, एस्केरिस के द्वारा होगा, ठीक है, तो यानी एस्केरियोसिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस, दैट इज 25 का बी राइट आंसर होगा। फ्लोरोसिस जब आप पढ़ते हैं तो ये किसके कारण होता है, ठीक है, ड्यू टू फ्लोरीन, किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है, यानी एक्सेस फ्लोरीन, यानी जब एक्सेस फ्लोरीन, यानी आप क्या बताएंगे, ड्यू टू फ्लोरीन एक्सेस आप बताएंगे, ठीक है, फ्लोरीन के एक्सेस के कारण फ्लोरोसिस कॉज होता है, अमीबियोसिस, एंटामीबा, स्टुलिटिका आपने पढ़ा होगा, तो अमीबियोसिस कॉज करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का ग्रेव यार्ड किसे कहते हैं, कि जहां पे आरबीसी नष्ट होने के बाद उसको दफन कर दिया जा सकता है, उसको नष्ट किया जाता है, तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, और बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन किसमें, इन एडल्ट अगर होते हैं हम लोग तो एडल्ट में इसका फॉर्मेशन होता है, लीवर में आरबीसी बनता है, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन यहां भी चलता है, बट कब चलता है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कौन सी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, एलिफेंटियोसिस इज द अदर नेम ऑफ, एलिफेंटियोसिस किसका अदर नेम है, तो एलिफेंटियोसिस जब आप पढ़ते हैं तो फाइलेरिया जो डिजीज होती है, जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के द्वारा होती है, तो उसी से रिलेटेड होती है, इसी का ये क्या नाम है, अदर नेम्स है, फिर आपको भी बताया फ्लोरोसिस फ्लोरीन के कारण होगा, एमीबियोसिस अमीबा के कारण कॉज होगी, एस्केरियासिस एस्केरिस के कारण होगा, ठीक। व्हिच हार्मोन इज मेनली सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाती है, यानी ग्रेफियन फॉलिकल, यानी ये क्या होती है, जब रैप्चर्ड होती है तो इनके रैप्चर्ड होने से क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, और कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रीशन करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। क्लियर हो गया, बाकी थायरॉक्सिन आपको पता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होगा, इस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं,
ये किसके द्वारा सिक्रेट हो गया? फॉलिकल सेल्स जो होंगी, किसके द्वारा? फॉलिकल, यानी जो फॉलिकल्स होंगी, यानी आपने पढ़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इन सबके द्वारा यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और जो एससीजी होता है, ठीक है, जब वहां पे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, क्या होती है? प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एससीजी वहां पे सिक्रेट होता है। और एससीजी ये क्या होता है, वहां पे किसके थ्रू बाहर आता है? यूरिन के थ्रू बाहर आता है। तो इसी एससीजी का यूज हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज करते हैं, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो इसी प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन में पता लगाया जाता है कि यूरिन में एससीजी प्रेजेंट, अगर यूरिन में एससीजी प्रेजेंट है दैट मींस क्या होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, द एडीज मॉस्किटो ट्रांसमिट द फॉलोइंग डिजीज, ट्रांसमिट द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, यानी एडीज मॉस्किटो पूछा जा रहा है कि सारे कौन से ऐसी डिजीज वहां पे छोड़ करके, मतलब कुछ डिजीज को एक्सेप्ट करके बाकी सभी डिजीज वहां पे कॉज होगा। तो आपको पता है कि डेंगू जो फीवर होता है वो एडीज मॉस्किटो के द्वारा होगा, चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो कॉज करता है, येलो फीवर भी एडीज मॉस्किटो के द्वारा कॉज होता है। ये जो मलेरिया है आपका, ठीक है, ये किसके द्वारा होगा? आपको एनाफ्लीस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एनाफ्लीस के द्वारा, यानी मलेरिया कॉज होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द फादर ऑफ क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग के पितामह किसको कहा जाता है? क्लोनिंग आप समझते हो ना, टू कॉपी, मतलब कि हम सेल्स को लेकर के वहां पर फिर उस सेल्स के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म को अगर हम डेवलप कर देते हैं, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? क्लोनिंग के नाम से जाना जाएगा। अब क्लोनिंग के फादर्स किसको कहा गया है? तो इयान याद रखेगा, इयान विल्मुट इज नोन एज फादर ऑफ क्लोनिंग, यानी फादर ऑफ क्लोनिंग कौन है? इयान विल्मुट है। क्लियर हो गया? ये सिर्फ पेपर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसमें सारे जो ऑप्शंस भी उसके साथ लगे हैं उनको भी आंसर आप देखेंगे, जो आपके जो अपकमिंग एग्जाम जो अभी आ रहा है इसी मंथ में, तो उसके लिए आपके क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसी पे आपको टॉपिक समाप्त करते हैं, अब आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, दिस इज उत्कर्ष तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी, मेजर कल्सी क्लासेस, प्रयागराज। जय हिंद बच्चों, हम लोग बहुत जल्दी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोच समझ करके देखते जाइएगा, मैं सबका आंसर आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr3+, क्रोमियम 3+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? तो क्रोमियम का एटोमिक नंबर है 24, क्रोमियम का एटोमिक नंबर कितना है? 24. तो हम लोग को मालूम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1 है। ये Cr का कितना है? 2, 8, 13, 1। एक्सेप्शनल केसेस हम लोग को मालूम है, तो यानी कि जब इसमें हम लोग को पूछा है Cr3+ का, यानी Cr3+ माने कि एक इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टू इससे निकलेंगे, तो ये पीछे इसका बचेगा 3d3, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि d में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, 1, 2, 3, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे? 3 बचे, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर उसमें 3+ चार्ज है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 1 इससे, 2 इससे, तो बचे 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ करके देखते रहिए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है
कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए हाईएस्ट एनर्जी इन दिस सेट किस में ज्यादा एनर्जी रहती है, ये एन बराबर ये शो करता है एन एल एम, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ध्यान से देखेंगे तो ये है 3D, ये किसको शो कर रहा है 4P को, क्योंकि ये हो गया n, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 होती है d के लिए, 1 होती है p के लिए, ये क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4D, ठीक है, और ये है 5S, ठीक है, कैसा रहता है 5S। हम लोगों ने ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p का सेट रहता है, फिर हम लोग को मालूम है 3s 3p का सेट रहता है, फिर हम लोग को मालूम है 4s 3d का रहता है, फिर हम लोगों को मालूम है क्या चीज, हमने क्या लिखा 3s 4 3p, ये 4s ने क्या लिखा 4s 3d 4p, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 5s 4d 5p, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 3d हम लोग को मिला यहां पे इंक्रीजिंग एनर्जी में है, ये देखिए ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी में, ये इंक्रीजिंग एनर्जी में 1s के बाद 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, ऐसा कोई भी नहीं इसमें, फिर 4s फिर 3d, तो 3d मिला। फिर हम लोगों को मालूम है क्या मिला, ये मिला 4p, ये इससे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई 4p की ज्यादा हमें हो गई एनर्जी। फिर हम लोगों को मिला 5s, ठीक है, फिर क्या मिला 4d, तो सबसे आखिर में हम लोगों को कौन सा मिला ये, तो यानी कि यही करेक्ट आंसर है। हम लोग को कौन कौन से दिए गए थे 4, हम लोगों के पास कौन कौन से आंसर है ध्यान से देखिए, हम लोग के पास 3d है, 1 मिनट, हम लोगों के पास क्या था, ये था 3d, फिर ये 4p, फिर हम लोगों के पास d आंसर 5s, और फिर हम लोग के पास b आंसर था 4d। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हुआ हम लोग का बी, हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो गई 4d की हो गई, तो यानी कि सेकंड का करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वाइनिज मेटल, ठीक है। तो क्वाइनिज मेटल हम लोगों को मालूम है कि क्वाइनिज मेटल रहते हैं ग्रुप 11 में Cu, Ag, Au, ठीक है, ये क्वाइनिज मेटल है। तो Cu, Ag, Au कौन सा आंसर हो गया B, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया B हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोडियम लैंप कंटेन, कौन क्या कंटेन करता है, सोडियम एंड ऑक्साइड गैसेस, नहीं, सोडियम इन अ वेपर फॉर्म में रहता है, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, सोडियम मर्करी वेपर फॉर्म में रहता है या डी क्या रहता है, सभी तो नहीं बोल दिए, नहीं, याद रखने वाली बात है कि सोडियम लैंप कंटेन यानी कि मर्करी लैंप में मर्करी वेपर रहता है, सोडियम लैंप में सोडियम वेपर रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो याद रखेगा लॉग टेबल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे क्या कहा गया, व्हाट इज द पीएच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 10 टू द पावर माइनस 8 HCl, लेकिन याद रखिएगा इसको हम लोग लगाते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, कैसा रहता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, तो यहां पर हम लोग रखेंगे माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8, यानी कि हो गया 8 log 10, यानी क्या हो गया 8, तो किसी भी एसिड की पीएच कभी भी 8 हो नहीं सकता, यानी कि ये 8 तो कभी हो नहीं सकता, वेरी डाइल्यूट रहता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टोटल हाइड्रोजन आयन जब हम लोग क्लास
में लॉग टेबल मिलेगी तो याद रखिएगा इसकी पीएच 8 तो नहीं आ सकती, तो टोटल हाइड्रोजन आयन याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड का सम होता है। वाटर का कितना हो गया 10^-7 और इसका हो गया 10^-8। तो अगर आप 10^-7 कॉमन लेंगे तो 1.1 बचेगा, यानी कि हम लोगों को यहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी किसकी, क्वेश्चन को लगाते समय याद रखिएगा, हम लोगों को लगानी पड़ेगी माइनस लॉग 1.1 × 10^-7। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 6.9 आती है। लॉग टेबल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जब भी पूछेगा क्वेश्चन इसमें 10^-8 की एम ही पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है और पीएच हमेशा 6.9 आएगी। फिर से समझिए, जब 10^-8 रखते हैं तो पीएच आती है 8, जो हो नहीं सकती है क्योंकि वेरी डाइल्यूट रहता है, इसमें वाटर प्लस एसिड रहता है, जिसको सम करते हैं 1.1 × 10^-7 आएगा, जो पीएच देखेंगे तो कितना रहा 6.9, यानी कि बी करेक्ट आंसर हुआ हम लोग का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इन ए गिवन रिएक्शन में हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो याद रखिए, देखने में तो यहाँ पर एक एथिल एसीटेट है, वाटर, लेकिन ये क्या रहता है, इसमें हम लोग को याद रखने वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dx अपॉन dt क्या रहेगा, के CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 0, ये रहता है, यानी वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, वाटर हमेशा एक्सिस में रहता है, एथिल एसीटेट की पावर 1 और वाटर की पावर 0 रखेंगे, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1+0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की, देखने में सेकंड ऑर्डर है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की रहती है, क्योंकि वाटर के मोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो अनकाउंटेबल रहते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, देखने में 2 है 1, ये सीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, आंसर 1 हो जाएगा। ये एग्जांपल है कौन सी, सीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रहती है सीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए व्हिच ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन नॉट एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन, तो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है एसिडिक बफर में, एसिडिक बफर में कैसा रहता है, वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, यहां पर पहला वाला ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यहां पर ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यहां पर भी देखिए वीक एसिड है और इसके स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये दोनों सेम नेचर के हैं, जब दोनों में एनायन सेम हो जाए तो समझ लीजिए कुछ कुछ गलती है, यानी कि ये बफर है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है ही नहीं, यानी HCl + NH4Cl इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहा गया है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्या डबल बॉन्ड में हम लोगों को मालूम है एक सिग्मा और एक पाई रहता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई रहते हैं, तो पाई कितने हो गए, यहां पर एक है यहां पर 2, तो एक पाई ये हो गया, 2 पाई ये और 2 पाई ये, तो टोटल कितने हो गए 4 पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई रहता है तो 2 डबल बॉन्ड तो 2 पाई हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने हो गए 2, तो यानी कि टोटल कितने हो गए 4 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा, इसका सही करेक्ट आंसर हो गया 4, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहता है, तो सुपीरियर ग्रुप हम लोगों ने देखा, सुपीरियर ग्रुप ओएच रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आंसर हो गया 2 ब्रोमो फिनॉल, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 ब्रोमो
फिनॉल, इसका करेक्ट आंसर। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ईथर फॉर्मेशन मेथड है, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना ईथर NaX। याद रखिए कि ये क्या रहती है, ये रिएक्शन रहती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा रहता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर रहता है SN2। तो SN2 में कैसा रहता है, सबसे अच्छी फर्स्ट डिग्री की दिखाती है, फिर सेकेंड डिग्री और फिर थर्ड डिग्री। तो यानी कि ये मिथाइल फर्स्ट डिग्री की है और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ एल्किल यानी RX का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ए सी एच थ्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री और फिर थर्ड डिग्री। ठीक बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बेटा। तो उसको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। जय। So good morning and jai hind students, I Satya Prakash Sharma welcome you back on MKC channel for MNS practice paper. So here we are going to do 10 very good questions for physics for your examination of MNS, and here we have a 10 very good questions which we are going to do right now. So bachcho hum log aaj MNS examination के लिए 10 बहुत अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी पहले ही हो गई होगी, हमारे जो पैनल डिस्कशन था तो हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारा जो मॉडल पेपर है वो जल्दी ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं फिजिक्स के 10 सवाल। तो यहाँ है हमारा पहला सवाल, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, द नोबेल प्राइज स्टार्टेड बाय अल्फ्रेड नोबेल हु हैड इन्वेंटेड। सो हियर द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्ट, okay, it is slightly indirect. So they are asking that Nobel Prize was started in the name of Alfred Nobel and he was the inventor of, so what did he invent? Okay, so guys, you know that the answer for this is going to be dynamite. Okay, and answer for this question is going to be dynamite. So I don't think so, like there should be any problem on this. Okay, alright, so we are moving to the next question, and the question number 2 for us is over here on the screen. Aur ye jo hamara agla prashn hai, it says that the weight of a human body is, the weight of a human body is, so it's a very straightforward question from the gravitation, and it says that same at every place on the earth, maximum at the poles, maximum at the equators, more on the mountains than the plains. Alright, so first we need to understand that what is the weight. So we know that weight is equal to m into g, so we can say that w is directly proportional to g, means that how the value of g is changing, the same way weight of the body will be changing. So we know that the value of g, the gravitational acceleration, will be maximum at the poles, means that we will feel heavier at the poles, we will feel heavier at the poles. And one more thing I would like to tell you regarding this, whatever the rocket launch stations we have, matlab ki जहां से दुनिया के जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, स्पेसक्राफ्ट छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, वो जितनी भी लोकेशंस है वो सब की सब इक्वेटर के आसपास होती है। हालांकि चूंकि ऐसा होता है कि इक्वेटर हिंदुस्तान से पास नहीं होती है, अपने इंडिया से इक्वेटर गुजरता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन है दैट इज सिचुएटेड मोस्ट ऑफ द साउथ, सो वी हैव आवर लॉन्च स्टेशंस इन earlier we had in Thiruvananthapuram, then it was shifted to Sriharikota, and another one is going to be constructed, it's coming in Tamil Nadu. Okay, so these are the launch stations which are situated near the equator, because near the equator the value of g will be less, the value of g will be less, so less fuel will be burnt to send the rocket to the space. So I hope it is clear. So this concept also is clear. The other question which I told you, the launching of the satellites, launching of the rockets, that also is clear. So if that is a possible question, so I hope you people can answer it.
ऑलराइट, ठीक है, तो बच्चों आप लोग उसको आंसर कर पाओगे, सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, ये थोड़ा मौसम विभाग की जानकारी है, लेट्स सी। सडन फॉल ऑफ प्रेशर एट अ प्लेस इंडिकेट, सडन फॉल ऑफ प्रेशर एट अ प्लेस इंडिकेट्स, मतलब कि वो जो बैरोमीटर होता है द प्रेशर वॉज, सो इट शोज द वेदर मॉनिटरिंग, सो व्हाट हैपेंस लाइक प्रेशर चेंज, सो बाय प्रेडिक्टिंग द बाय सीइंग द प्रेशर चेंज दे प्रेडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट्स गोइंग टू बी, ठीक है। ऑलराइट, तो प्रेशर का जो बैरोमीटर होता है वहां प्रेशर देख करके पता लगाया जाता है कि आने वाला मौसम कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, इट सेज दैट सडन फॉल ऑफ प्रेशर, मतलब अचानक से अगर दाब कम हो जाता है, अचानक से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, द प्रेडिक्ट प्रेशर गोज डाउन, व्हाट डज इट मीन, सो इट मींस दैट इट्स गोइंग टू बी अ स्टॉर्म, मतलब तूफान आने वाला है कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर अनुभव किया होगा, तो जब भी तूफान आने वाला रहता है तो उससे पहले का मौसम बहुत शांत हो जाता है, मतलब प्रेशर गिर जाता है, ठीक है, तो एकदम शांति शांति, फिर उसके बाद तूफान आता है, ठीक है, ठीक है। एंड इसका आंसर रेन भी हो सकता है, बट रेन में उतना प्रेशर नहीं गिरता रेन के लिए, यहाँ पे सडन फॉल है, वहां पे अगर फॉल बोलेगा, इफ दे से दैट देयर इज अ फॉल इन द प्रेशर, सो व्हाट इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी रेन, अगर ये प्रेशर बढ़ जाए, okay, so what is going to be fair weather, all right, okay, so let's go to the next, and next question is for us is the question number 4, and it says that the base and the poorest conductor of heat are respectively, theek hai, all right, fine, so first thing you should know that like what is the conductor of heat, all right, so अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, वो जितनी जल्दी गर्म हो जाता है वो उतना अच्छा कंडक्टर है कि नहीं, सो दैट इज दैट काइंड ऑफ गुड कंडक्टर, सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली, इज दैट क्लियर, फाइन, सो नाउ वी लुक एट द ऑप्शन, सो हियर इट सेज सिल्वर एंड लेड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सो हियर कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर कंडक्टर, सिल्वर एंड गोल्ड बोथ आर कंडक्टर, कॉपर एंड गोल्ड बोथ आर कंडक्टर, सो थ्री ऑफ देम आर नॉट द आंसर, three of them are not the answer, so sometimes what is the approach for us, we try to find out what is not the answer, kabhi kabhi kya hota hai ki mujhe answer nahi pata karna hai, hame ye pata nahi karna hai ki kaun sa answer nahi ho sakta hai ki nahi, to humne kya kiya, wahi kiya bhai, okay, we try to find out which cannot be the answer, so what is the answer for us, that is silver and lead, isn't it, लेड क्या होता है, लाइक बैटरी का जो कवर होता है ना, हमने घर में इन्वर्टर की बैटरी देख रखी है, तो उसका जो कवर होता है उसके अंदर की जो प्लेट होती है ना, दैट इज द लेड, सो दैट इज अ हीट रेजिस्टेंस, ऑलराइट, इनफैक्ट लाइक व्हेनेवर द एक्सरे इज हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स, तो बोला जाता है कि लाइक एक्सरे से बचने के लिए पेशेंट और जो टेक्नीशियन होता है, एक्सरे टेक्नीशियन होता है, उसको ना लेड का एप्रन पहनाया जाता है, एप्रन तो समझ रहे हो ना आप लोग, वो जो कोट होती है सफेद वाली डॉक्टर वाली है कि नहीं, चलिए, तो वो जो एप्रन होता है, सो लेड का एप्रन पहनना चाहिए, ये रूल है, मतलब सेफ्टी मेजर्स है, बट नोबडी फॉलोज इट, यू नो दैट, बिकॉज़ इट्स इंडिया, ऑलराइट, चलिए, सो व्हाट इज दैट, सिल्वर एंड लेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अलोंग विद दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, आई एम एडिंग वन मोर थिंग, दैट एक्सरे कैनॉट पेनिट्रेट लेड, X-ray cannot penetrate lead, so X-ray machine से, X-ray radiation से बचने के लिए, we will be using an apron made up of lead. Clear? Fine. So we are going moving to the next question and alright. It's very simple, isn't it? Ultrasonic wave has its frequency. Alright. Ultrasonography. Like in it. So ultrasonography, if you know, ultrasonic, you know. So it is a very high frequency, and what is that high frequency? We cannot hear that, we cannot listen that. हम लोग उसको नहीं सुन सकते, because that frequency is very high. वो होती है हमारे क्या more than 20,000 hertz. तो अगर किसी ने पूछा, if suppose it's coming in examination that what is the use of ultrasonic wave, ultrasonic frequency? So you can say that in ultrasonography, sonography होता है ना? All right. Okay guys, so let's move to the next. The blackboard seems black. तो ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है? देखो एक्चुअली क्या है कि जो चीज हमें जैसी दिखती है, जो चीज हमें जैसी दिखती है, एक्चुअली वो वैसे ही कलर को रिफ्लेक्ट करती है. अगर कोई सफेद है तो सफेद क्या करती है, पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है.
ब्लैक कलर है वो पूरे के पूरे लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है, ग्रीन ऑब्जेक्ट है तो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, रेड है तो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है, ब्लू है तो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो जो जिसको रिफ्लेक्ट करेगा वही हमें दिखाई देगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट्स अपीयरिंग ब्लैक मींस दैट नन ऑफ द कलर इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, सो दैट्स द आंसर फॉर अस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question on the screen is question number 7. Okay? Fine. Which one of the following pairs of rays is electromagnetic wave? तो बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि how to remember the pattern. तो वो भी मैं बता देना हूँ, that I'm going to tell you right now how can you remember the pattern of the electromagnetic waves. Is that clear? So before solving this question, I'm going to tell you the order of the electromagnetic wave. So here I'm writing a mnemonic. Okay, and you can read that in a one shot, that is Ram, invisible, under, X-ray, and last one is gamma ray. Okay, can you read it? Can you read it, guys? Okay, ek pharate mein se apne ko pad lena hai. And when you read it, it says that Ram, invisible, under, X-ray, gamma ray. Okay, so what does it mean? It means that radio, it means that microwave, this one is infrared, this is the visible, and this under I have written that means actually UV, ultraviolet rays. So we can say that radio, micro, infrared, visible, under, ultraviolet, X-ray and gamma ray. So when you go down, जब हम लोग नीचे जाते हैं, when we move down, what happens? Frequency, थोड़ा सा जगह कम है, so let me make some damn, what is that? Sorry यार, मतलब I need to write it again. Ram invisible under X-ray. Alright, fine. So RA stands for radio, this stands for microwave, this one is for infrared, this is for visible, this is ultraviolet, and this is X-ray and all. So when we are moving down, frequency increases, energy increases, and wavelength decreases. All right guys, so itni cheeze aap log yaad kar paoge, and when you look at that, so X-ray and gamma both belongs to the electromagnetic spectrum. So what is the answer for us? That is the option D. Can you see that? X-ray and gamma ray. So that is present in this. Lekin alpha beta nahi hai, cathode ray nahi hai. So these are not the electromagnetic waves. So you have to remember that Ram invisible under X-ray, gamma ray. If you remember the pattern, so by chance if they ask you to arrange the sequence of the wave, मतलब अगर वो पूछते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा, तो वो हम लोग यहां से कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। हियर वी हैव द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड सबको पता है बैटरी में पानी पड़ता है कि नहीं? ओके, एवरीवन नोस दैट in battery, in household, we put water in the battery, but that's not water actually, that is not distilled water, that is actually acidic water. Okay, that is a pure water, distilled water with small amount of acid. Okay, it's written on that, that's a sulfuric acid. So what is the answer for us? Sulfuric acid. Okay, sometimes we are using the HCl also, but mostly we are using the sulfuric, because sulfuric acid is easily dissociated and forms a lead sulfate, PbSO4. तो उतना अपने को पढ़ना नहीं है कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह उतना पढ़ना नहीं है, but lead acid battery होती है ना, तो we are using this. Is that clear? क्योंकि कार की बैटरी में ना हम लोग lead acid battery use करते हैं बड़ा वाला. So now we are moving to the question number 9, and here we have the question number 9, and it's again a very simple question, direct question. The phenomena of radioactivity was discovered by, so it is a knowledge based, and what is the answer? Henri Becquerel. Alright, fine. Now we are going to the question number 10, which is going to be the last but not the least. Fine. So which rays has high ionization power? Which rays has
high ionization power. So what is that? It's going to be gamma. Gamma has the most highest radiation power, like ionization power, because like it will alter the DNA. It will alter the DNA, and that's going to be the answer. So here we have done the 10 questions. I hope it had helped you. So next we are going to see in the next model paper. Till then, thank you. Bye-bye. Take care. Jai Hind.